खुद देखो यार ये बाहर आ गया। Hey guys, my name is Jitu. Welcome back to my YouTube channel. So, फिर से आपका स्वागत है एक नए दिल्ली ब्लॉग में। और आज दिल्ली ब्लॉग में मैं आज आ चुका हूँ, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, दिल्ली जू। और इस वीडियो में आपको पूरा दिल्ली जू का टूर करवाने वाला हूँ और साथ ही साथ आपको जानकारी दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा है, इसके टिकट प्राइस क्या होने वाली है और टिकट ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ऑफलाइन अवेलेबल है या नहीं है, सब कुछ एक डिटेल वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं करा तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो टिकट हैं वो ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं ओनली। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहें तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो अगर आप आएँ तो यहाँ टिकट घर से करवा के आएँ। बाकी टिकट कैसे बुक करनी है उसकी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आई बटन मिल जाएगी। बाकी ये देख पा रहे होंगे इस साइड से भी एंट्री है और मैं मॉर्निंग में पहुंच गया हूं और अभी घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी भी भीड़ कम है। थोड़ा लेट आएंगे तो भीड़ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यहां से एंट्री है और इस साइड आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जैसे आप बैग वगैरह लाते हैं तो यहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। चलिए आपको बताता हूं मैं कि कितना चार्ज लगने वाला है। यहां पे देखो चार्ज लगेगा दोस्तों 5 रुपये प्रति बैग है। और जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से आप अगर आते हैं तो शाम को 6:30 बजे तक यहाँ पे सबमिट रख सकते हैं अपना सामान को। सिटी घर के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ी पार्किंग है, तो अगर आप पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो अपनी गाड़ी आराम से यहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं। सो गाइस मैंने ऑनलाइन टिकट कर रखी है, चलिए एंट्री लेते हैं। सामने है एंट्री गेट, ये है एंट्री गेट। वे टिकट खींचे होगा, टिकट खा दे। सो गाइस फाइनली मैंने अंदर एंट्री ले ली है वहाँ सिक्योरिटी पॉइंट से चेक करा के। और अभी जो आप अंदर का नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा है चिड़ियाघर का एंट्री गेट का। चलिए चलते हैं और आज आपको करवाते हैं चिड़ियाघर का पूरा एक टूर। हम जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने पे हमें एक सेल्फी पॉइंट दिख जाता है जहाँ पे लिखा है आई लव दिल्ली जू। सो मोस्टली लोग यहाँ पे आके फोटो क्लिक कराते हैं, तो चलिए हम भी फोटो क्लिक करवा लेते हैं यहाँ पे। और मैं बात करूँ इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, तो इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन खान मार्केट का है, जहाँ से इसका डिस्टेंस 1.5 से 2 किलोमीटर का है, जिसे आप चाहें तो एज अ वॉक या ऑटो करके इजिली यहाँ पहुँच सकते हैं। और मैं वहीं बात करूँ इसके टिकट प्राइस की, तो जो टिकट एक अडल्ट का होने वाला है वो है 80 रुपये। और एक यहाँ किड्स की टिकट जिसकी एज 5 से लेकर 12 साल तक के बीच में, उनका टिकट यहाँ 40 रुपये होने वाला है। एक सीनियर सिटीजन का टिकट यहाँ जिसकी एज 60+ है, उनका टिकट यहाँ 40 रुपये का है। 3 साल से कम बच्चों का यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो हम जैसे एंट्री करते हैं हमें शेरों के निशान दिख जाएंगे जो कि जा रहे हैं उस साइड। यहाँ पे बैटरी रिक्शा की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें अगर पैदल घूमना नहीं चाहते तो आप इसको कर सकते हैं। तो बात करूँ यहाँ पे प्राइस की, तो एक अडल्ट की टिकट यहाँ 70 रुपये है और वहीं एक किड्स की टिकट जिसकी एज 5 से लेकर 12 साल तक के बीच में, उसकी टिकट यहाँ 30 रुपये होने वाली है। और 5 साल से कम बच्चों की टिकट यहाँ फ्री है बिल्कुल। जस्ट उस साइड देख सकते हैं एक बटरफ्लाई बना रखा है, वो है सेल्फी पॉइंट, तो वहाँ पे आके भी आप फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। जस्ट वहाँ उस बैटरी रिक्शा के जस्ट सामने आपको इसका एक पूरा मैप देखने को मिल जाता है और ये मैप आपकी मदद करेगा इस पूरे चिड़ियाघर को घूमने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ से एंट्री करी थी, ये एंट्री करने पे इस समय मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो अभी ये पूरा हम घूमने वाले हैं, पूरा मैप है ये। और ये कुछ डायरेक्शन है जो कि आपको मदद करेंगे, जैसे कैंटीन हो गया, पब्लिक कन्वर्सेशन हो गया, वाटर पॉइंट हो गया, तो ये है। और मैं वहीं बात करूं इस बैटरी रिक्शा को अगर करते हैं तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपको 10 मिनट या 20 मिनट जितना मर्जी देर जाएं चाहे आप वहां रुक सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको अप्रॉक्स आपका 2 से 2.5 घंटे में आप इजिली इस बैटरी रिक्शा से पूरा चिड़ियाघर घूम सकते हैं। और वहीं बात करूँ मैं यहाँ पे फूड बाहर आउटसाइड फूड अलाउ नहीं है, तो आपको सिर्फ यहाँ वाटर अपना पानी की बोतल ही ला सकते हैं, खाना पीना यहाँ पे अलाउ नहीं है। अंदर ही छोटी मोटी कैंटीन बनी हुई है जहाँ पे सिर्फ ओनली आपको लिक्विड मिलेगा, लिक्विड इन द सेंस की कोल्ड ड्रिंक हो गई, दही हो गई, दूध हो गया, ये सब है ऑप्शन है यहाँ। स्टार्टिंग में इस साइड से हम जाने वाले हैं मैप के अकॉर्डिंग और यहाँ पे हमें मिलने वाला है नील गाय, पहाड़ा हिरण, कृष्ण मृग,
जल पक्षी और शेर पूछ वाला बंदर। तो चलिए इस साइड चलते हैं, उसको करते हैं एक्सप्लोर। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जस्ट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको लील गाय, कक्कड़ हिरण, चीतल, सांबर हिरण और कृष्ण मृग देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा वो दूर है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ वीडियो में। देखिए वो जस्ट उस साइड है। बात करूँ मैं इसकी टाइमिंग की, तो ये मॉर्निंग में 9:30 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 4:30 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ पे जो टिकट है आपका, वो टिकट 2 स्लॉट में है, एक 8:30 से लेकर 12:30 तक और एक 12:30 से 4 बजे तक का स्लॉट है। तो कोई भी आप स्लॉट बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए ये पूरा बर्ड जोन है और यहाँ पे आपको काफी सारे पक्षी देखने को मिल जाते हैं। कुछ पक्षी इसमें परवासी हैं, कुछ यहीं के ही हैं। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद अब हम ऐसी जगह पर आ गए हैं, अब आगे मिलने वाला है शेरपूछ वाला बंदर, बबून, टोपीदार बंदर, पहाड़ा हिरण, सांबर, जो कि है जस्ट इस साइड। चलिए चलते हैं। बाकी अब ये सब देख रहे हैं, ये इनकी क्वांटिटी की, जैसे शेरपूछ वाला बंदर यहाँ पे 1 है, बोंटा बंदर यहाँ 5 है, तो एक क्वांटिटी लिखी हुई, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं शेरपूछ वाले बंदर की तरफ, जैसे एडवेंचर टाइप का जोन बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप पूरा ये। और ये रहा शेरपूछ वाला बंदर, आपको थोड़ा पास से दिखा दूं। ये देखिए कैसा, कितना घने बाल इसके यार, कि पूरा यार इसका मुंह देखिए एक बार, शेर की तरह इसका। बैबून तरफ और इसका एरिया देखिए किस तरह से बना रखा है, पूरा पहाड़ी बना रखा है, ऊपर एक किला टाइप का है। तो ये देखते हैं, हमें मॉन्की देखने को मिलता नहीं मिलता है वाला। वो देखिए दोस्तों, वो बैठा बैबून बंदर। दिल्ली जू 176 एकड़ के अंदर पूरा फैला हुआ है, सो आप इससे अंदाजा ला सकते हैं कि कितना बड़ा ये है। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो अपना अच्छा खासा पूरा दिन निकाल के आए, इसको पूरा घूमने में आपको काफी टाइम लगने वाला है। और जगह जगह इस तरह पूरा सेटिंग अरेंजमेंट में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो घूमने में सो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो जगह जगह एक बहुत खूबसूरत सा सेटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है एरिया ये। अब मैं थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बोंटा बंदर, जो कि इसके सारे पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये सारे मंकीज पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। और एक चीज देख लीजिए, इनका खेलने कूदने के लिए रस्सी से टायर बांध रखे हैं, इस तरह से लक्कड़ वगैरह के पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने पूरा बनाया हुआ है। देखिए दोस्तों ये बंदर है, चार सौ से 500 मीटर पे ही आपको पानी का वाटर कूलर की फैसिलिटी अवेलेबल है और इस तरह से वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सांबर हिरण देखने को मिल जाएगा। ये देखिए लाइन जैसे सांबर हिरण बैठे हुए हैं और इनकी सिंग देखिए यार, एक बार इनकी सिंग देखिए, उसकी सिंग देखिए, कितनी बड़ी बड़ी सिंग है यार, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी सिंग है इनकी। इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा कृष्ण मृग, जो कि है इस साइड, देखिए कितने सारे हैं। ये देखिए इनको खाना कैसे दिया जाता है, तरह से रस्ते में घास लटका दी जाती है, उसके बाद ये हिरण इस तरह से खाते हैं। अभी मैं चिड़ियाघर के एक ऐसी जगह पर आ चुका हूँ जहाँ पे आपको एक बहुत दुर्लभ प्रजाति देखने को मिल जाती है, गौर गाय, जो कि एक विलुप्त प्रजाति कैटेगरी में आती है। और आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि जो एक गौर गाय है, ये आपको इंडिया के किसी भी चिड़ियाघर में देखने को नहीं मिलता, सिर्फ बजाय दिल्ली के। ये गौर गाय आपको सिर्फ दिल्ली के चिड़ियाघर में ही मिलती है, जिसकी वजह से दिल्ली का चिड़ियाघर हर चिड़ियाघरों में से अलग है। ये जंगली बिल्ली है, देखिए यह है ताड़ बिलाओ, जो कि जस्ट ऊपर सो रहा है वो।
में आपको देखने को मिल जाएगा गीदड़। यहाँ पे आपको मिल जाएगी देखने को लोमड़ी यहाँ बैठी हुई है। देख रहे हैं ये है गेंडा और इनको गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है जिसकी वजह से अभी ये पानी के अंदर हैं और इनकी त्वचा भी काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। सो गाइस अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जो मेरे पीछे पूरा एरिया देख रहे होंगे, ये बर्ड जोन एरिया है। बर्ड्स के यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप बर्ड्स लवर हैं सो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के इस पार्ट में। चलिए चलते हैं। देख रहे ना ये पूरा एरिया बर्ड जोन है और जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फी जोन है, बच्चे फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे हैं बटरफ्लाई के पास। सो हम एंट्री लेते हैं। तो एंट्री लेने पे हमें जो हमारी एंट्री होती है वो होती है देख सकते हैं यहाँ पे पैरट से। नीला पीला मकाओ है, ये देखिए कितना खूबसूरत है यार, ये है मकाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने। देखिए यार इनकी खूबसूरती देखिए, कितना खूबसूरत लग रहे हैं। लाल और हरा मकाओ मैं आपको दिखा दूँ वीडियो में, देखिए जस्ट बैठे हुए हैं, देखिए ये रहा कितना खूबसूरत लग रहा है, ये दो हैं। सो गाइस ये है इलेक्ट्रिक तोता, देखिए जो कि जस्ट उसके अंदर है और इसकी चोंच आगे से पीली रंग की होती है। है बेयर आइड कॉकटू, ये देखिए और ये पूरे वाइट रंग के होते हैं। पीकी धूस तोता कितना खूबसूरत लग रहा है। गोल्डन फेजेट ये देखिए जस्ट सामने ही और कितना खूबसूरत है, इसके पंख देखिए कितने अच्छे इस पे सेट बनी हुई है, देखिए सिल्वर फेजेट और इसकी खूबसूरत देखिए, सामने से ब्लैक है ऊपर इसका रेड रंग का और वाइट सेट देखिए। यह रंग परिवर्तित तोता देखिए और इसके ना तीन चार तोते हैं और तीनों के रंग अलग अलग हैं भाई, ये देखिए यार तीनों के रंग यहाँ पे अलग अलग हैं। वो देखने को मिल जाएगा सफेद मोर, देखिए दोस्तों मोर को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मिस्र का गिद्ध जो कि है जस्ट ऊपर साइड बैठा है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, वो देखिए। यह है ब्राह्मणी चील, यहाँ पे आपको धारेदार लकड़ बकड़ देखने को मिल जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा दूँ जो कि जस्ट उसके अंदर बैठा हुआ है और रेस्ट कर रहा है वो। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हमें देखने को मिल जाता है क्रोकोडाइल जस्ट सामने ही है, देखिए अभी ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए मगरमच्छ और अभी ये रेस्ट कर रहे हैं, देखिए वो पास दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे होंगे ये हैं सारे जंगली सुअर, अफ्रीकी हाथी के पास जो कि है उस साइड। चलिए चलते हैं और आपको पास से जाके दिखाते हैं। देखिए हाथी है, इसके इस तरह से घर बना रखे हैं, इसके अंदर ये रहते हैं, ये पूरा एरिया है। हम आ चुके हैं एशियन लोइन की तरफ जो कि है जस्ट उस साइड और अभी वो सो रहे हैं, मैं दिखा दूँ आपको वीडियो में, ये देखिए वो दो हैं वहाँ पे सो रहे हैं वो। ये है धनेश पक्षी, मैं आपको दिखा दूँ वीडियो में, हम आ चुके हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दरियाई घोड़ा। ये देखिए दोस्तों ये है दरियाई घोड़ा, ये देखिए पूछ से अपने ऊपर पानी कैसे डाल रहा है ये, और देखिए इसका बेबी भी है साथ में, आपको दिखा दूं, देखिए यार इसका कितना छोटा सा बेबी दिख रहा होगा शायद आपको, ये देखिए इसका बेबी है छोटा सा ये। इसको
इसको देखो यार, ये बाहर आ गया। हम देख सकते हैं ये कितना ही भारी है, और ये बाहर आने की तरफ अंदर तालाब में आने की कोशिश कर रहा था। ये है भारतीय हाथी, ये देखिए कितना विशाल है। ये देखिए इस तरह से इन्होंने छाला टाइप को बना रखा है, जिसके नीचे ये शेल्टर टाइप को बनाया हुआ है, जिसके नीचे ये अपना खाना खा रहे हैं। ये देखिए हाथी अभी कीचड़ डाल रहा है अपने ऊपर, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और उस साइड वो हाथी, अभी आप पीछे बोर्ड में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है चाय कॉफ़ी शीतल जल। तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी कैंटीन थी सारी क्लोज पड़ी हैं, और आपको यहाँ पे कुछ भी पीने को या पीखे खाने को मिलता नहीं है, पीने को कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो जब भी आप चिड़ियाघर आएँ तो ये थोड़ा सा देख के आना, और बच्चों अगर अगले कुछ अगर वहाँ से अलाव करें तो कुछ ले कर आना, क्योंकि यहाँ पर अंदर सारी कैंटीन क्लोज हैं। गाइस मैं इस पार्क के एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां पे आपको टाइगर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं टाइगर। बाकी देख सकते हैं टाइगर आपको इस साइड दिखने वाला है, मैं आपको दिखा दूं। हाँ मैं भी शायद मुझे दिख जाए। देखिए दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं, ये है बाघ, इसकी आवाज़ सुनिए। देखिए इसकी धार सुन सकते हैं वीडियो में आप। ये बड़ी सी ये हट देख रहे हैं, पूरा लोहे का बना हुआ है, उसके ऊपर बेल चढ़ाई हुई है। इसके अंदर आपको जगवार देखने को मिल जाएगा, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए इसके अंदर आपको जगवार मिल जाएगा देखने को, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम आ चुके हैं घड़ियाल के पास, जो कि मगरमच्छ की प्रजाति होती है। देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे, तो उसके जबड़ा होता है काफ़ी लंबा होता है उन मगरमच्छ की तरह, और दांत भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 100+ दांत, 100 के करीब उसमें दांत होते हैं, और थोड़ा उसके अकॉर्डिंग स्लिम होता है ये। और अभी ये भी रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, हाँ रॉयल बंगाल टाइगर के पास, जस्ट देखिए उस साइड है, तो जस्ट उसके ऊपर लेटा हुआ है वहाँ पे, और एक टाइगर वहाँ पे लेटा हुआ है। देखिए ये देखिए आपको कितने सारे यहाँ बर्ड्स देखने को मिल जाएंगी, और काफी पक्षी यहाँ पे हैं, पक्षी देखिए। अब हम पहुंच चुके हैं हिमालयन काला भालू, और इसका ये पूरा एरिया है देख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ आप देखने को मिलने वाला, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे धूप काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो मैं भी शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि उस साइड उसकी पूरी बांध गुफा बनी हुई है, उसके अंदर होगा वो। देखिए उस पानी में, उसके अंदर पानी पानी में जाके लेट गया वो। ये देखिए पानी कैसे इंजॉय कर रहा है, ये देखिए, अरे वाह, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि भालू है वो नहाने चला गया। हम पहुंच चुके हैं दूसरे भालू की तरफ, इसका नाम है रीच। देखिए उस साइड वो कर रहा है रेस्ट, इस साइड आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने जाल से ढका हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे पक्षी हैं। देखिए देखिए यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे देखने को मिल जाएगा, जो कि उस साइड लेटा हुआ है। मैं आपको एक बार वीडियो में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए वो लेटा हुआ है वहाँ पे, देखिए इतना खूबसूरत बना रखा है इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट। एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है,
ये देखिए कितना पुराना पेड़ रखा था, और इसके चारों तरफ इस तरह से चेयर लगाई गई हैं, उस पर देखिए कितने डिज़ाइन बना गए, यहाँ बैठ के कितना खूबसूरत नज़ारा आएगा अगर आप बैठ के यहाँ प्रेस करेंगे, और उसके जस्ट सामने आपको बाघ भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टर्टल देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए टर्टल मैं दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको साई देखने को मिल जाएगा, पॉकी क्वीन इसे कहते हैं, और इसकी जो ऊपर की जो त्वचा होती है उस पर इस तरह से पहने पहने निकले होते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, और अभी ये रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लंगूर देखने को मिल जाएंगे, इनका फेस पूरा ब्लैक होता है और जस्ट ये ऊपर बैठे हुए हैं, एक पूरा जाल देख रहे हैं, इसके अंदर आपको लेपर्ड यानी कि तेंदुआ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे दो लेपर्ड हैं, मैं आपको दिखा दूँ वीडियो में, ये देखिए, और यहाँ से बिल्कुल क्लियर व्यूज आ जाएगा। आपको यहाँ पे भेड़िया देखने को मिल जाएगा, बट अभी यहाँ थोड़ा दोपहर हो रखी है जिसकी वजह से भेड़िया उस साइड है और एक भेड़िया उस साइड है, तो वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं शुतुरमुर्ग के पास, जिसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, जो कि जस्ट उस साइड देखिए सामने, वो इसका साइज देखिए कितना बड़ा होता है साइज। अभी हम आ गए हैं, ये ईमू है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में एक बार। दुनिया का ये सेकंड पक्षी है सबसे बड़ा जो उड़ नहीं सकता। सो फाइनली मैंने दोस्तों आपको पूरा दिखाया चिड़ियाघर का टूर, और मुझे इसे पूरा घूमने में 4 घंटे का टाइम लगा। मैंने यहाँ से 10 बजे एंट्री करी थी और अभी घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो टोटल 4 घंटे का टाइम लगा, बल्कि मैं थोड़ा जल्दी घुमाया इसको मैंने, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी, और क्योंकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि काफ़ी बड़े एकड़ में फैला हुआ है, तो जब भी आप आएँ तो पूरे दिन का टाइम निकल के आएँ। आखिर कुछ चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, जैसे कि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, बाहर से आप खाना नहीं ला सकते, बाकी जो पहले यहाँ पे कैंटीन थी अंदर जिसमें आप लिक्विड वगैरह ले सकते थे, कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी वगैरह, वो भी यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल है, सारी कैंटीन बंद हैं, तो जब भी आप यहाँ पाएंगे तो थोड़ा सा देख के आना है अपना घर से कुछ लाना खाने पीने वगैरह का लिक्विड। बाकी दोस्तों ये पूरा ओवरऑल व्यू था, बाकी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट का मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में।